हेलो फ्रेंड्स, सभी लोगों का इस चैनल पे पुनः स्वागत है। और आज हम एंगल्स कैसे फाइंड करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में। पिछले लेक्चर्स में हमने टेबल्स पे बात की थी, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के जो टेबल्स हमने लर्न किए थे, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये सब हमने लर्न करने के तरीका हम लोगों ने सीखा था। लेकिन अगर उससे बड़े एंगल्स आ जाएंगे तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के एंगल्स कैसे फाइंड करेंगे, वो आज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि साइन 480 डिग्री की वैल्यूज क्या होगी। तो इसमें सबसे पहले इसको हम 90 में कन्वर्ट करते हैं, 90 से डिवाइड कर लेंगे 400, ये कितने टाइम जाएगा, ये हमारा जाएगा 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 450, रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 30 डिग्री आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 590 हियर 590 एंड प्लस 30 डिग्री, ऐसे इसको हमने लिख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि 90 ऑड है कि इवन है, तो यहां पे ये हमारा है ऑड। अब ऑड अगर है तो ये किस में चेंज होगा, कॉस थीटा में चेंज होगा, अपने बगल वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस में। तो यहां पे हम लोग डायरेक्ट यहां पे इसको लिख देंगे कॉस, और नेक्स्ट एंगल मींस कॉस 30 डिग्री, यहां पे हमने किस में चेंज कर लिया, कॉस 30। और कॉस 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। अब ये देखते हैं कि ये √3/2 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो इसको हम देखते हैं कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है। तो ये एंगल, फिर हम क्वाड्रेंट की बात करेंगे, यहाँ पे 590 है तो 190, 290, 390, 490 और 590 इस पे आ गए। 590 में अगर हम कुछ भी एंगल मीन 30 डिग्री ऐड कर रहे हैं तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, इट इज फर्स्ट, इट इज सेकेंड, इट इज थर्ड, इट इज फोर्थ, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें पता है क्या होता है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे ये साइन है इसलिए ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी, तो इसकी वैल्यू हमारी √3/2 हो गई। फिर हम नेक्स्ट एंगल से बात करते हैं कि 10 870 क्या, कैसे इसको फाइंड करेंगे। तो इसको फिर हम 90, इसको हम फिर चेंज कर लेंगे 90 से डिवाइड करके, हियर 90 कितने टाइम्स जाएगा, ये 9 टाइम्स जाएगा, 810, यहाँ पे 60 डिग्री रिमेनिंग, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, मींस 10 कितने 90 हो गए, 990 हो गए यहाँ पे, और प्लस 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये 10 है और ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो ये 10 किस में चेंज होगा, अपने बगल वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, मींस 10 जो है कॉट में चेंज होगा, तो यहाँ पे कॉट लिखेंगे और नेक्स्ट एंगल कॉट 60 डिग्री। और cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √1/√3, ये cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है। अब ये देखेंगे ये प्लस में होगा या माइनस में होगा, हियर यहां पे ये 10 है और ये 990 किस में आएगा, वन राउंड करेंगे तो कितना होगा, 1 2 3 4, फिर घूम के आएंगे तो ये 8 हो गया, 8 और ये 9, 9 में कुछ भी ऐड करेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट के साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं और सब नेगेटिव, तो यहाँ पे 10 है इसलिए इसकी वैल्यू हमारी नेगेटिव आएगी हियर। फिर हम इसकी बात करते हैं कॉसेक 750 को, तो फिर इसको हम डिवाइड कर लेंगे 90 से इसको डिवाइड कर लो, कितना आ गया, ये आ जाएगा 8 टाइम्स, 720, रिमाइंडर इज 30 डिग्री। इसको हम चेंज कर लेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, कॉसेक कितने हुए, 890 हुए, इसलिए 8 × 90 और प्लस 30, इसको इसमें हम चेंज कर लेंगे, ये हमारा देखिए इवन नंबर आ गया, तो ये हमारा चेंज नहीं होगा, इट विल बी नॉट चेंज। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, कॉसेक ही रहेगा, नेक्स्ट एंगल 30 डिग्री, और कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 2। अब देखते हैं ये 2 हमारा जो आया है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, एंगल्स पे ध्यान देंगे तो 890 मतलब एक राउंड हो गया एंगल, 490 मींस 1 2 3 4, फिर 890 में कुछ भी ऐड करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, इसको बहुत ही क्लियर करना है, ठीक है। तो 890 हमारा क्या, ये पूरा एंगल्स हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने देखा था कि ए आता है, मींस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे इसलिए ये वैल्यू पॉजिटिव। फिर हम लोग सेक की बात करते हैं, इसको चेंज करते हैं, सेक 960 है, फिर इसको हम लोग 90 से डिवाइड करते हैं,
कितने टाइम्स आएगा, 10 टाइम्स 900 इट इज 60, मींस यहाँ पे आ जाएगा 1090 और प्लस 60 डिग्री। अब देखिए ये भी इवन नंबर है इसलिए sec sec में ही रहेगा sec 60, और sec 60 की वैल्यू क्या होती है भाई, cos का रेसिप्रोकल, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो यहाँ पे ये हो गया 2, यहाँ पे हमारा क्या आ गया 2। अब देखते हैं 2 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो 1090 का आएगा, एक राउंड करेंगे तो 4, 8, 8 के बाद फिर ये 9, फिर 10, 10 में 1090 में 60 ऐड है इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, ये एंगल हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या था AS, ये T आएगा, मींस 10 थीटा और cot थीटा यहाँ पे पॉजिटिव होंगे और रिमेनिंग नेगेटिव, तो यहाँ पे हमारा क्या है sec है इसलिए ये वैल्यू हमारी नेगेटिव आएगी। तो मैं यही सबसे आशा व्यक्त करता हूं कि सभी लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि इसके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं उनको कैसे हम लोग डिराइव करते हैं। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।